नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 6 मार्च को अपनी बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए 28 फरवरी से एक हफ्ते के लिए जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने गायत्री प्रजापति की 3 जमानत याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया है। अब गायत्री प्रजापति 1 सप्ताह के लिए पैरोल पर बाहर आएंगे। बता दें, बेटी की शादी के लिए 1 हफ्ते की पैरोल दी गई है गायत्री प्रजापति को। 1 हफ्ते के लिए गायत्री प्रजापति बाहर आएंगे। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें पैरोल दी गई है। बता दें, 28 फरवरी से 1 हफ्ते के लिए जमानत मिली है। गायत्री प्रजापति 1 हफ्ते के लिए पैरोल पर बाहर आएंगे। बता दें, 1 हफ्ते के लिए गायत्री प्रजापति बाहर आएंगे। 3 जमानत याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया गया है। अब गायत्री प्रजापति 1 सप्ताह के लिए पैरोल पर बाहर आएंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, गायत्री प्रजापति को 1 सप्ताह के लिए पैरोल दिया गया है, जिससे वो अब बाहर आएंगे। किन आधारों पर इनको ये पैरोल दी गई है? देखिए, कुल मिला के मैं भी आपको बता दूं कि गायत्री प्रजापति का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। 2017 में इनके ऊपर रेप के चार्जेस, धोखाधड़ी और तमाम चार्जेस लगे थे। उसके बाद से लगातार जेल में, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तो ये खनन मंत्री हुआ करते थे। और अगर बात करूँगा अमेठी की, अमेठी से ही ये जीते थे और अमेठी का इतिहास बड़ा इनका रोचक रहा है। ये एक समय की दौर थे, समय की बात थी। ये अमेठी ही थाने में एक साइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद से इनका जो रुख पलटा, इनका इतिहास बदला। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में आए, मुलायम सिंह यादव की नज़र में आए, अखिलेश यादव की नज़र में आए, और उन्हें बहुत बड़ा ही मुख्यालय मिल गया था जो खनन मंत्रालय का था। उसमें खनन मंत्रालय के दौर में भी इन पर कई आरोप लगे हैं। खनन मंत्री होने के नाते इन्होंने तमाम ऐसे खनन करवाए जो है वो अवैध तरीके से। उसके बाद बहुत अच्छा ओहदा मिला इन्हें समाजवादी पार्टी में, मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद इन पर कई आरोप लगे। उसके बाद आरोप लगने के बाद इन्हें जेल भेजा गया। और फिलहाल अभी बात करूँ अभी की, तो फिलहाल असामा ये जेल में हैं, और जेल में होने के नाते इन्होंने एक याचिका दायर कर दी 56 दिनों की, क्योंकि इनकी बेटी की शादी 6 मार्च को है, तो 56 दिनों की याचिका दायर की थी। इन्होंने ये भी लिखा था कि पिता होने के नाते मुझे बेटी की शादी में उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो उस वजह से कोर्ट ने इन्हें पैरोल दी है मुश्किल से 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते के बाद इन्हें वहाँ पर कोर्ट में सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने के बाद इन्हें फिर से जेल में जाना होगा। लेकिन कुल मिला के देखी जाने वाली बात यह है कि जो इनके खिलाफ थे और जो इनके पक्ष में थे, उन दोनों ने याचिका दायर करी थी और याचिका दायर की है कोर्ट ने 56 दिनों की याचिका के बाद। अब इन्हें पैरोल मिलेगी। पैरोल मिलने के बाद ये अपने घर जाएंगे, बेटी की शादी में सम्मिलित होंगे। उसके बाद पैरोल की जब अवधि ख़त्म होगी तब ये वहाँ पर कोर्ट में सरेंडर करेंगे और इनसे फिर फिलहाल जेल में रहेंगे, क्योंकि कुल मिला के इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे, रेप के चार्जेस लगे हैं, धोखाधड़ी के चार्जेस लगे हैं, फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं। तो कुल मिला के या अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आरोप है, और कहीं ना कहीं ये पैरोल मिल रहा है तो यात्री प्रजापति के लिए बहुत अच्छा संदेश भी जा रहा है। जी सागर, पैरोल को लेकर अभियोजन पक्ष ने विरोध भी किया, क्योंकि इन पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। जी आपको बता दूं कि कम से कम 9 से ज़्यादा अधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। धोखाधड़ी, फ्रॉड हो गया, जालसाजी हो गया, रेप हो गया, ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। तो एक अभियोजन पक्ष का ये मानना था कि इन्हें पैरोल नहीं देनी चाहिए, इन्हें पैरोल देने के अनिवार्य नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट इन्हें
एक मानते हुए कि ये माना कि इनकी बेटी की शादी है तो इनको सम्मिलित होना ज़रूरी है, इस वजह से कोर्ट ने इन्हें पैरोल दी है। अन्यथा अगर ऐसी कोई वजह होती, कोई खास वजह होती तो शायद कोर्ट इस बात को सिरे से नकार देता कि इन्हें पैरोल देना ज़रूरी था। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ा एक मुद्दा रखा, सबसे बड़ी एक बात रखी कि इनकी बेटी की शादी है तो इन्हें वहाँ पर सम्मिलित होना ज़रूरी है, तो इस वजह से कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ बेटी की शादी है तो इन्हें पैरोल देना चाहिए। फिलहाल अभियोजन पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा और अभी भी विरोध कर रहा है। जी जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ में बनने वाली लगभग 1500 अवैध इमारतों पर 16 फरवरी के बाद बुलडोजर चलेगा। एलडीए की 8 अफसरों की टीमों ने एक महीने में शहर के 1500 अवैध निर्माण को चिन्हित किया है, जिनका निर्माण हाल ही में हुआ है। कुछ का काम तेजी से चल रहा है जबकि कुछ का काम रुका है। इसके खिलाफ इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है। टीमों ने इन अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। जोनल अधिकारियों को इन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है ताकि ये पता चल सके कि कितनों के खिलाफ कार्रवाई की और कितनों के खिलाफ नहीं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, 1500 अवैध बिल्डिंगों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर 16 फरवरी के बाद से बुलडोजर चलाया जाएगा, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट ढह गया था, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना ये अलाया अपार्टमेंट जो ढहा है, उसमें जो मासूमों की मौत हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानों तक बात पहुंची है, क्योंकि इसके पहले तक वो इन सब चीजों से बेखबर था। तो अब कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ में एलडीए ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा सैकड़ों करीब 1500 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है। अगर हम अलाया होम्स की बात करें तो उनके भी कई बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है। 80% तक फाइल एलडीए ने पूरी कर ली है। मैं आपको बता दूं कि पेपर मिल कॉलोनी में और संबंधित जगह पे हसनगंज में कई जगह पर इनके बिल्डिंगों को भी चिन्हित किया गया है। तो अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कार्रवाई करने जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब वो बुलडोजर चलने वाला है। जितने भी अवैध निर्माण है जिनका मानचित्र नहीं पास है उनके ऊपर भी तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल अभी सबका खाका तैयार हो चुका है। अब आने वाले समय में अब जितने भी अवैध बिल्डिंग इमारतें हैं उनको संपूर्ण रूप से ढहा दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसकी पूरी जांच की जा रही है। 80% तक फाइल पर काम लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरा कर चुका है। रितेश, ये 1500 जो अवैध बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है, 1500 बिल्डिंग बहुत होती है, इसमें बहुत से लोग रह भी रहे होंगे, बहुत लोगों ने खरीदा होगा, उनको भी तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं। बिल्कुल परेशानी होगी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि केवल अभी अगर लखनऊ की बात की जाए तो केवल 1500 ही अवैध इमारतें नहीं है, अभी 15,000 अवैध इमारतें निकलेंगी। अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण कायदे से इसकी छानबीन करे, अगर जांच करे तो अभी इतनी बिल्डिंगें निकलेंगी यहां पर अवैध जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भी कलम इसमें फंसती नजर आ रही है। उसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के पेज कसे हैं तब उसके बाद जा करके कहीं इतनी इमारतों का पता चल पाया है क्या? अभी तक इतनी इमारतों का पता चल पाया था? इतने साल हो गए, इतने वर्ष बीत गए इस संस्थान को बने हुए प्राधिकरण को, तो अभी तक प्राधिकरण क्या करता था? कैसे मानचित्र बिना पास हुए अवैध बिल्डिंगें बन जाती थी? 5-5 इमारत और 10-10 मंजिला इमारतें बन जाती थी, जबकि ग्राउंड G+2 का ही ये पास होता था नक्शा। 2-2 मंजिले जो नक्शे पास है वो कहीं ना कहीं 5-5 मंजिला बना के, 10-10 मंजिला बना के भ्रष्टाचार की नींव पर ये बुनियाद जो खड़ी होती थी वो कहीं ना कहीं अब ढहती नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में अलाया अपार्टमेंट जिस तरह गिरा, 3 मासूमों को इसमें जान भी चली गई, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्ती बना चुके हैं। अब उनका बुलडोजर चल के रहेगा, जो भी अवैध निर्माण होंगे उसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। फिलहाल एनडीए की तरफ से जानकारी मिल रही है कि अभी 80% तक फाइलों पर काम कर लिया गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से 1500 जो चिन्हित किए गए हैं बिल्डिंग उन पर कार्रवाई होती। रितेश, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले भी अलाया अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हुआ था, वहीं कई लोगों के सामान, दस्तावेज, तमाम चीजें उसमें गायब हुई थी, लोग लगातार शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए सन 2012 में ही इसको कह दिया गया था इसके मानचित्र में कमियां हैं
और उस समय जो अधिकारी जो अभियंता थे उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं खामियां छोड़ दी थी। जिन फाइलों में अधिकारियों को पकड़ने अधिकारी जिसमें घेरे में आ रहे थे सबकी वो फाइलें गायब हैं। अब एलडीए से उस बिल्डर्स की फाइलें कैसे गायब होगी, उस अपार्टमेंट्स की फाइलें कैसे गायब होगी, कहीं ना कहीं जो अधिकारी उसमें संलिप्त थे उन्होंने ही फाइलों को गायब किया गया हो। अच्छा, कहने वाली बात इस पे एक जानकारी और भी मिल रही है कि उस बिल्डिंग में एलडीए के कुछ अधिकारियों को वहां पर फ्लैट भी दिया गया था, ऐसी भी बात सामने निकल कर आ रही थी। फिलहाल अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण में कुछ फाइलें इस अलाया अपार्टमेंट से संबंधित गायब है जिसकी तलाश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तरीके से शक के घेरे में है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जब पेच कसाया तो अब कैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण काम करेगा। फिलहाल अभी 1500 जो चिन्हित किए हुए जगह हैं उन पर तो कार्रवाई होनी तय है, और अगर सघनता से जांच की जाए तो पूरे लखनऊ में हजारों मकान या हजारों अवैध बिल्डिंग आपको मिल जाएंगे। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।